हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टेक्रो प्लस। दोस्तों आज का एक छोटा सा टॉपिक है, यहां पर मैंने एक डेटा लिया है, काफी लंबा ये डेटा है। देखिए अगर मैं नीचे जाता हूं तो यहां पर 5000 इसके अंदर रो हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए जैसे ये हेडिंग है और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हेडिंग है ये एक बार आता है और अगर हम अगले पेज पर जाते हैं, नेक्स्ट पर जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेडिंग नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए कि हमें हर पेज पे वो हेडिंग रिपीट मिल जाए, तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 142 पेज, तो अगर मान लो हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर ये सारे पेजेस लगे हुए हैं और हमें यहाँ पर अमाउंट का हेडिंग दिख नहीं रहा कि ये HRA है, कन्वीनियंस है, ये मैंने सैलरी शीट ली है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये हेडिंग हर शीट पर कैसे रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटी सी ट्रिक है। तो देखिए आपको क्या करना है, हम जाएंगे पेज लेआउट में और यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा प्रिंट टाइटल में, ठीक है। अब यहाँ पर ये खुल गया आपका पेज सेटअप वाला ऑप्शन, यहाँ पर है शीट में जाएंगे, शीट वाला जो टैब है ये डायरेक्टली खुल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ऊपर हेडिंग पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेगा और ओके कर देंगे। तो अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो ये जो है सबके अंदर हेडिंग रिपीट कर देगा। शॉर्टकट है प्रिंट प्रीव्यू का, कंट्रोल के साथ F2 बटन, तो ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले पेज पर हैं, दूसरे में जाते हैं, तीसरे, चौथे, जिसमें भी जाएंगे आप, देखिए आप पेज नंबर 9 है यहाँ पर और यहाँ पर सब पर हेडिंग वो रिपीट हुआ है। ये देखिए रिकॉर्ड नंबर 741, अगले पर जाएंगे हम पहुंच गए हैं 926, तो पूरे हेडिंग वहीं के वहीं फिक्स है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है कि भाई कौन सी फिगर किस चीज के लिए है, पूरा ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, आपको बार बार हेडिंग रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और चाहे जितने आपके पेज हो फाइल में आप लगाएंगे, कंफ्यूजन कुछ नहीं होता उससे। अब यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है, ये तो डेटा नीचे को जा रहा है, ठीक है। अब हो सकता है आपका डेटा इस तरह का ना हो, आपका जो डेटा है वो इस तरह का हो, ये यहाँ पर हेडिंग है और डेटा इस तरफ को जा रहा हो, ठीक है। तो वहां पर आप इसको कैसे रिपीट करेंगे, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये तीन हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ नई शीट में, थोड़े से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, नई शीट में जाते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज और ओके। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से, ये सारा डेटा मेरा इस तरह से पहुँच गया। और मैं इस पर इस तरह से डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको अलाइनमेंट इसका ये वाला देता हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों जो हमारा रिकॉर्ड है वो जा रहा है राइट साइड को। तो अगर हम यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2, तो अब मैं चलता हूँ अगले पेज पर, तो ये देखिए ये शुरू का हेडिंग जो है वो गायब हो गया है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यहीं पर जाएंगे पेज लेआउट में ओपन टाइटल और यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉलम रिपीट करना है, वहां पर रो थी यहाँ पर कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओके। तो अब हम चलते हैं अपने प्रिंट प्रीव्यू में, कंट्रोल F2। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज, तो हमारा जो कॉलम है वो फिक्स है, शुरू का स्टार्टिंग वाला ये कॉलम फिक्स है, रिकॉर्ड नंबर 5750 इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज की जरूरत और पड़ सकती है, जैसे कि ये हमारा डेटा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ABC कॉलम लिखा है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, तो कभी कभी हमें इन हेडिंग की भी जरूरत पड़ जाती है। तो उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट टाइटल में जाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है रो एंड कॉलम हेडिंग्स, ठीक है, इसको ओके कर देंगे और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया ABC वाले कॉलम आ गए और यहाँ लेफ्ट साइड में 1, 2, 3 इस तरह से ये काउंटिंग आ गई। तो जो आपका रिकॉर्ड होगा, सबसे मान लो मैं नीचे जाता हूँ बहुत और यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका सीरियल नंबर आ गया, आपको ये वाला कॉलम की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस सैंपल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने लिंक दे दिया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं एक्सेल टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पर ये वीडियो आप जरूर चेक करें। अगर आप एक्सेल में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो इनको जरूर चेक करें, ठीक है। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।